हेलो, बिल्कुल सुमे फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस न्यूज। आज आपके सामने मैं रासायनिक समीकरण को बताना सिखाऊंगा आपको। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूले आते हैं। अब फार्मूले तो कठिन होते ही हैं, उसके साथ साथ उस फार्मूले की वजह से जो हमारा रासायनिक समीकरण बनता है वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम समझाएंगे कि कैसे आप फार्मूला को क्रिएट करेंगे और फार्मूले के जरिए हम रिएक्शन को कैसे हम बनाएंगे और किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, एग्जाम में कैसे हम समझें कि इसको हम कैसे बनाएं, अगर आपको पता भी ना हो तब भी कैसे बनाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक रूल फार्मूले का और थोड़ा सा रिएक्शन का रूल मैं यहाँ पर बताऊँगा, वो भी देखिएगा। और मैंने चार रिएक्शन को लिया है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पहले समीकरण बनाएं तो आप यौगिकों को, जो आपका यौगिक होता है ना, पहले उसका पूरा जानिए। जैसे बोला जाता है ये सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम यहाँ पर लिख दिए, क्लोराइड मतलब ये है, क्लोरीन मतलब क्लोराइड। और जब ये प्लस मूलक मतलब धनात्मक मूलक होते हैं, ऋणात्मक मूलक मिलते हैं, तो कैसे एट आइट ईक सब ये सब कैसे बनते हैं, लास्ट में सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड इस तरीके से होते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये सोडियम हो गया, ये क्लोराइड हो क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन में कितना आपका संयोजकता होती है, वन होता है इसमें और इसमें वन होता है। तो वन का गुणा इधर कर दीजिए, वन का गुणा इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड ये हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर आपका Cl हो गया, तो यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, दोनों मिलाकर HCl हो गया। तो जिसकी पावर जितनी रहेगी उसी हिसाब से आपका बनने वाला है। तो इनको आप समझने की कोशिश करिएगा, आपका बात समझ में आ जाएगी आखिर कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका O हो गया। H का होता है वन और O का होता है दो, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, तो H में आपका टू हो जाएगा और O में आपका वन हो जाएगा, वन पावर नीचे निकले तो हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है। और इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाया हूँ, बेसिक वीडियो है उसको देख लेना, फिर भी मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इसके रूप में लेकर आऊँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर आज हम बता देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर आगे का समीकरण में उसी तरीके से बनाए। यहाँ पर आया हुआ है अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया। अमोनियम क्लोराइड है उसको बुझे हुए चूने के साथ हम गर्म करेंगे। बुझे हुए चूने के साथ गर्म करना, तो हमें क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट टाइम हमें क्या पता होना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड पता होना चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ध्यान देते हैं। तो आपका हो गया अमोनिया, मतलब अमोनियम, सॉरी यहाँ पर अमोनिया आपका H3 है, वो इसका NH4, तो हम अमोनियम क्लोराइड इस तरीके से अकेले लिख देते हैं। ये आपका NH4 और उसके बाद Cl2 नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं होगा, NH4Cl ये हो गया आपका। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, पहले एक एक बात पकड़िए, एक एक का सूत्र आप इसको दिमाग में बैठाएंगे, कैसे याद नहीं करना है, बस आप सूत्र को बनाना सीखिए और जैसे जैसे सूत्र बनाएंगे आपको याद हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर बोलिए अमोनियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका अमोनियम और ये हो गया आपका क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो हमारा हो गया। अब बोला जा रहा है इसको बुझे हुए चूने के साथ गर्म करो, तो गर्म करना है मतलब उसके साथ मिलाना है, गर्म करने का मतलब मिलाना। तो गर्म करेंगे किसके साथ मिलाएंगे, बुझे हुए चूने के साथ। तो प्लस इसमें करो बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका। अब इन दोनों को मतलब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये ही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें देखिए इसका इसका रिएक्शन कराए, तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा इसमें का Ca ले लीजिए, ठीक, और इसमें देखिए इसमें पहला है और इसमें पहला है, तो इसमें का दूसरा ले लेते हैं CaCl। तो CaCl यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें CaCl
टू के रूप में मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम और क्लोरीन का जो संयोजकता का जो संयोजन यौगिक बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो बनेगा वो हमारा इस तरीके से जब बनाएंगे तो टू हमारा इधर होगा और वो हमारा वहाँ होगा। तो ये चीज़ें समझने योग्य हैं अगर आप समझेंगे तब। आपका CaCl2 हो गया, और CaCl2 के बाद आपका बनना है अमोनियम, ये हो गया, और इसके साथ साथ हमारा और क्या बनेगा, आपका जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। अब हम ये चीज़ तो हमें पता है कि हमें क्या क्या बनेगा, इसका संतुलित करेंगे, इसको हम संतुलित करेंगे। देखिए कैल्शियम एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम में बात बराबर, यहाँ पर क्लोरीन दो है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, तो इसमें आप दो कर लीजिए, यहाँ पर दो लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, दो मैंने लिख दिए, दो क्लोरीन हो गया, कितना हो गया, दो क्लोरीन, इधर भी दो क्लोरीन बराबर, लेकिन यहाँ दो लगाए क्लोरीन बढ़ाने के लिए हमारा N और H भी बढ़ गया, N और H भी बढ़ गया, N हमारा दो हो गया और H हमारा चार यहाँ था, दो यहाँ था, चार दूना आठ हो गया, ठीक है, गुणा होता है, तो चार दूना आठ हाइड्रोजन हो गए और N आपका दो हो गया है, ये देखिएगा, और Cl भी आपका दो हो गया है, ये केवल आपका, तो दो एन, दो एन यहाँ पर आपकी कमी है, यहाँ पर क्या है, देखिए दो एन है तो दो एन यहाँ पर कर दे तो दो एन हो गया, लेकिन यहाँ पर अब एच को देखते हैं तो तीन दूना छः एच हो गया यहाँ पर, और चार दूना आठ एच हो गया यहाँ पर, आठ और उसके बाद दो एच यहाँ पर, आठ दो दस हो गया, यहाँ पर देखते हैं तीन दूना छः, केवल छः है, अभी इसमें चार कम है, कितने कम है, चार इसमें भी कम है, क्या हम इसमें दो बढ़ा दें, दो दूना चार हो जाएगा, पर इसमें ऑक्सीजन का फर्क पड़ जा रहा है, ऑक्सीजन दो बढ़ जा रहा है, दो इधर ऑक्सीजन और दो यहाँ पर ऑक्सीजन, कंप्लीट है, सारा चीज़ संतुलित हो गया, सभी चीज़ें संतुलित हो गई हैं, एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा हो जाएगा। ये आपका अमोनियम क्लोराइड है और ये आपका बुझा हुआ चूना है, इसको गर्म करते हैं तो हमारा ये तैयार होता है, ठीक। उसके बाद हम इसका एग्जांपल, मतलब इसको हम हल करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर बात ये फंसती है, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड कैसे इसका सूत्र बनेगा, तो ये आपका जब IUPAC नाम पढ़ते हैं तो उसमें आपका साधारण नाम में भी आ जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हमें मिलाना है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र अमोनिया से गर्म, तो ये आपका HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसको हमें गर्म करना है सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ हमें गर्म करना है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, इसको मैं यहाँ पर गर्म करने चल रहा हूँ, सांद्र अमोनिया है, सॉरी अमोनिया है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, NH3 ये सांद्र अमोनिया हो गया, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर HCHO है, यहाँ पर NH3 है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हमें CH जो है ये, और इन सब को मिला करके CH का 2 और इन सब को मिला करके, इन सब को मिला करके हमारा हो जाएगा कितना, 6 ये हो गया, और N की 4 ये हो गया, ठीक, फिर प्लस H2O, ये चीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका हेक्सा, मेथिलीन, टेट्रा एमीन, ये हो गया, इस तरीके से हम नामकरण करेंगे, और बाकी जल बना हुआ इसका हम संतुलन कर देते हैं। ये एक बात देखिए, एच यहाँ पर एक दो, हमें एन को देख रहे थे, जो चीज़ें एक बार आई हो उसी को आप जल्दी पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन एक बार आया तो इसको आप देखिए, एन यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर भी एक बार होना चाहिए, यहाँ पर चार बार है, कितनी बार है, चार बार है, और चार बार है तो हमें चार बार कर दे रहे हो, अब आपका फर्क पड़ गया एच पर, एच हमारा चार तीन है 12 और दो आपका 14 हो गया, यहाँ पर आपका 6 × 12 और आपका 2 × 14 हो गया, ठीक है, ये चीज़ लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है, ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क है आपका, यहाँ पर 6H2O होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत इस बात की है, सी हमारा यहाँ पर 6 टाइम है, तो यहाँ पर 6H बढ़ाए तो 6H यहाँ बढ़ाए तो 6H यहाँ बढ़ा देंगे, तो हमारा ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ये समीकरण आपका बन जाएगा। क्या क्या चीज़ हुई, कैसे हुई, ये चीज़ आप भी पढ़े।
सल्फर ट्राईऑक्साइड को सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करते हैं। अब हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड को लेना है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है ये देखते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड तो हमारा ये हो गया सल्फर O3 का मतलब ट्राई, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसको हमें H2SO4 के साथ गर्म करना है, इसके साथ प्रवाहित करना है, इसके साथ प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या बनेगा SO3 है, H2H2O7 ये बनेगा H2H2O7, ठीक है। ये आपका बोला जाता है इसको ओलियम, ये बोला जाएगा ओलियम H2H2O7, ठीक है। ये कंप्लीट होगा, अब बच रहा है ये वाला कैल्शियम फ्लोराइड में सांद H2SO मिलाते हैं। कैल्शियम में किस में मिलाना है, कैल्शियम फ्लोराइड में, तो हम Ca F2 प्लस इसके साथ हमें H2SO4 मिलाना है, H2SO4, और रिएक्शन करना है। तो इसके बाद आपका क्या बन जाएगा ये ध्यान दीजिए, H2 बनेगा, H2SO7 ये आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका ये संतुलित हो गया, Ca SO4 प्लस 2HF ये होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन वगैरह गायब हो गया था। इस तरीके से संतुलित करिएगा, धीरे धीरे करके संतुलित करिएगा। आप पहले यौगिकों को बनाना सीखिए, उसके बाद आप यौगिक को जोड़ करके आप समीकरण बना लेंगे, बहुत आसानी बना लेंगे। थोड़ा सा आपका गणित तेज़ रहना चाहिए और बना लेंगे। गणित तेज़ रहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको समझ दिमाग लगाएंगे, कौन कितनी बार आपको बनाना है, क्या कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक बार चेक कर लेना, मेरे सेकंड चैनल की लिंक है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप स्टे रहिए, इसकी पिछली वीडियो जरूर सब देख लीजिए बेसिक, और अच्छी सी ट्रिक लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। We'll be right back.